हाय गाइस हाउ आर यू ऑल सो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारा जो अमीगो पोर्टल है अमिटी का उसे हम अपने फ़ोन से कैसे एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरे सब्सक्राइबर्स के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सिमरन जैसे हर बार बारी पॉसिबल नहीं हो पाता कि हमारे पास हर टाइम हमारा जो लैपटॉप एंड जो डेस्कटॉप है अवेलेबल हो तो उस केस में हमें अपना जैसे कॉन्टेंट एक्सेस करना है हमारा जो रिकॉर्डेड लेक्चर एक्सेस करना है या फिर कोई भी हमें काम है अपने पोर्टल से तो हमें उस टाइम अपने लैपटॉप या उसको फिर ढूंढना पड़ता है फिर उसमें हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है तो उस केस में हमारे हमारे पास जैसे एन एम में हमारा एक प्रॉपर ऐप होता था तो हम उसमें तो आराम से अपना एक्सेस कर सकते थे सारा मटेरियल तो एम में कोई पोर्टल है या फिर कोई एप्लीकेशन है ऐसे जो हम अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कुछ एप्स हैं एम के अमीगो पोर्टल के लिए एंड मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगी जो आप जो आप इजिली आराम से अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकते हो अमीगो पोर्टल विदाउट एनी इशूज़ फिर चलते हैं वीडियो में सो गाइज हमारे पास ना एक दो ऐप भी हैं पहले मैं उनको एप्स के बारे में आपको बता देती हूँ या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर लेना एम यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ठीक है आपको ये दो तीन ऐप देखेंगे मतलब मैंने तो ये ती, आ, ये दो ऐप्स डाउनलोड करे हैं एंड कुछ कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि ये दोनों ही वर्किंग ऐप तो एक बार ही आप ये ट्राई करके देखना बट मेरे केस में ना ये दोनों ही वर्क नहीं करे तो मैं आप लोगों को नहीं सजेस्ट कर रही बट कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए वर्क कर रहे थे तो मैंने सोचा कि आप इन दोनों का मैं एक बार वीडियो में बता दूंगी तो जिन स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो ये अमेजोन ऐप है इसको आप सिंपली इंस्टॉल करके आप ओपन करोगे आपको यहाँ पर अपना यूजर आई एंड पासवर्ड अपना फिल uh, आउट करना है एंड ये आपका एम यूनिवर्सिटी का एक ऐप uh, एप्लीकेशन है आप इसको एक बार ट्राई आउट कर सकते हो बाकी मेरे केस में मुझे ये यूजर आई एंड पासवर्ड दोनों ही गलत बता रहा था तो हो सकता है कि शायद आपके लिए चल जाए ऐप बाकी सेकेंड ऐप मैंने बताया ये एम यूनिवर्सिटी ई लाइब्रेरी है जहाँ पर आपको कोर्स कंटेंट मिल सकता है तो एक बार ये यहाँ पर जाकर देख लेना बट ये uh, मेरे केस में नहीं चला था फिर से मेरा स्टूडेंट पासवर्ड जो था वो गलत शो कर रहा है लॉग इन विद एमेज़ोन पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल आउट करना है बट मेरे लिए ये दोनों भी नहीं चला बाकी अगर ये दोनों आपके लिए नहीं चलते तो मैं आपको एक सबसे बढ़िया ट्रिक बताने जा रही हूं जो आपकी हंड्रेड वर्किंग रहेगी आपके सिंपली गूगल पर जाना है एंड वी हैव टू सर्च ये सबसे ईजीएसट तरीका है अगर आपको अपना एम का जो डैशबोर्ड है वो अपने फोन से एक्सेस करना है ठीक है जैसे हमारी वेबसाइट लोड हो जाती है आपको यहां पर थ्री डॉट्स दिख रहे हैं ये हमारे थ्री डॉट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर हमें क्लिक करना है सिंपली एंड आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है ठीक है जैसे ही आप अपने डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करोगे आपके प्रॉपर ऐसे इंटरफेस आ जाएगा हल्का सा जूम इन करेंगे हम आपको ये बिल्कुल कॉर्नर में ना यहाँ पर आपको लॉग इन दिख रहा है बिल्कुल कॉर्नर में अपर साइड पर राइट हैंड साइड पर आपको मिल जाएगा यहाँ से लेट्स चैट को तो क्लियर करेंगे लॉग इन पर क्लिक करना है जैसे हम अपना लैपटॉप पर करते हैं सेम वैसे ही प्रोसीजर है गई ये थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें हमें सिंपली जैसे हमें जाना है एम टी ऑनलाइन डॉट कॉम हम सिंपली जाएंगे अपने गूगल पे ठीक है एंड यहाँ से मैं अभी डेस्कटॉप साइट ऑफ कर रही हूँ क्योंकि इशू आ रहा था हम सिंपली यहाँ पर जाएंगे आपको यहाँ पर थ्री लाइंस दिख रही होंगी अभी डेस्कटॉप साइट मत ओपन करना क्योंकि कई बार लॉग हो नहीं पाता यहाँ से हम अभी फिलहाल क्रॉस करेंगे यहाँ से साइड पर आपको यहाँ पर ये थ्री लाइन्स दिख रही हैं हमें यहाँ पर क्लिक करना है एंड नीचे आपको छोटा सा ऑप्शन दिख जाएगा लास्ट पे लॉग इन का ठीक है लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे यहाँ से देखो हमारा आराम से खुल गया अब मैं यहाँ से अपना लॉग इन करूँगी जो एम के की रजिस्टर्ड मेल आई डी जो पासवर्ड है हमें यहाँ से सिंपली अपना सबमिट करना है and, uh, and, yeah, एंड उसके बाद ये हमारी पूरी डिटेल्स का पॉपअप आएगा यहाँ से स्किप कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें अपडेट कहाँ से करनी है अपनी डिटेल्स तो यहाँ से आप कर सकते हो उसके बाद हमें सेकेंडली हमें माई कोर्स पे जाना है सिंपली माई कोर्स पर क्लिक करोगे आपका पूरा पोर्टल खुल जाएगा हर बार की तरह जैसे हमारा लैपटॉप खुलता है बिल्कुल सेम प्रोसेस है लॉग इन करने का बाकी एप्स तो मेरे लिए आ, जो एप्स थे प्ले स्टोर के वो तो मेरे लिए वर्किंग नहीं थे तो मैंने आपको फिर एम का आ, ये क्रोम से लॉग इन करके दिखाया है, है पोर्टल क्योंकि से बिल्कुल सेम प्रोसेस है अगर हम लॉगिन करते हैं अपने लैपटॉप से या फिर फ़ोन से बस फ़र्क इतना हमें क्रोम पे सिंपली जाना है हमें सेम ही वेबसाइट से लॉग इन करना है, और सेम प्रोसेस है एंड देखो ये आराम से हमारा पूरा प्रोसेस हमारा पूरा पोर्टल खुल गया है पूरा इंटरफेस आ गया है यहाँ से फिर वही जो ये जो ब्लू वाले इंटरफेस से मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मतलब यहाँ से अपना एक्सेस करना है आप लोगों ने पूरा कोर्स यहाँ से भी आप सिंपली कर सकते हो ठीक है ये हमारा जैसे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स है ठीक है यहाँ से हम नीचे गए स्क्रॉल डाउन करोगे आपको यहाँ से नीचे पूरा आपकी क्लासेस मिल जाएंगी ये देखो जो, जो मैं ब्लैक में बताती हूँ ये ब्लैक आइकनस में आपकी क्लासेस हैं एंड जो ग्रीन है वो आपके क्विज़ हैं या सेल्फ एवेल्यूशन टेस्ट है बेसिकली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये देखो ये मेरे ई ट्यूटोरियल्स ओपन हो गए हैं हम यहाँ से जैसे मैं टैप करूँगी ये आप देख सकते हो ये हमारा पूरा पोर्टल खुल गया है सॉरी बैक हो गया ये हमारा वीडियो लेक्चर एडिटोरियल खुल गया है अकाउंटिंग का अब यहाँ से आप ब्रॉड पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करके आपका पूरा जो लेक्चर्स है अब यहाँ से अटेंड कर सकते हो क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि हमारे पास जैसे लैपटॉप नहीं है जैसे हर बार ही हर टाइम पे हमारे साथ डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता तो उस केस में क्या होता है कि फिर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि मैम एम का तो कोई ऐप ही नहीं है तो आप सिंपली ना यहाँ से कर सकते हो एंड हाँ जैसे अगर ऐप के लिए चाहिए ना तो मैं आपको ऐप आप के फॉर्म पर जैसे आप साइट पर जाओगे ना मैं आपको ऐप आप भी बन सकता है हमारे लिए यहाँ पर थ्री डॉट्स पर जाओगे यहाँ पर सिंपली क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है आपको ऐड टू होम स्क्रीन का ठीक है ऐड टू होम स्क्रीन कर लेना सिंपली आपका ये एक तरह का ऐप बन जाएगा यहाँ पर नॉर्मली जाना ये तो खैर मैंने अभी, अभी अकाउंटिंग्स उसमें अकाउंट फॉर मैनेजर्स के लिए कराया ना अगर आप सिंपली अपना पोर्टल ओपन करके डायरेक्टली करते हो ना तो आप सिंपली लिख देना एम पोर्टल यहाँ से आप ऐड कर देना डायरेक्ट आपका ये ऐड हो जाएगा ये देखो नीचे गए यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा जो एम का पोर्टल है ये आप देख सकते हो एम का पोर्टल हमारा ओपन हो गया यहाँ से मैं सिंपली फिर से अपना लॉग इन करूँगी और ये हमारा पूरा पोर्टल खुल जाएगा ठीक है तो आप यहाँ से सिंपली फिर अपना जो आपका सपोज आप जैसे कोई अपना असाइनमेंट कर रहे हो एक्सेस हमें सिंपली यहाँ पर जैसे मैनेजर इकनॉमिक्स में मेरे को अपना असाइनमेंट करना है ठीक है हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे मॉड्यूल वन तक जाएंगे आपको नीचे ये सारा स्टडी मटेरियल भी दिख जाएगा यहाँ से अगर आपको स्टडी मटेरियल एक्सेस करना है डिस्कशन फॉर्म करना है ऑडियो एस भी है अपने अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो बाकी जो असाइनमेंट्स हैं मे बी वो असाइनमेंट्स अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहे तो वो हो सकता है कि उस वो लैपटॉप पर ही एक्सेसिबल हो एक बार ही आप देख लेना उसके लिए बाकी मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि हमें कैसे अपना एक्सेस करना है पूरा स्टडी मटेरियल एंड सब कुछ अपना पोर्टल कैसे एक्सेस करना है बाई यूजिंग मोबाइल फ़ोन ये देखो फर्स्ट मॉडल असाइनमेंट आ ही गया है ये देखो फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट है यहाँ पर अब यहाँ पर आप डबल क्लिक करके ये अपना यहाँ से भी क्विज कर सकते हो जिनके पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल नहीं है आप यहाँ से भी अपना असाइनमेंट अटैम्प्ट कर सकते हो सो गाइज या दिस इज़ फॉर द डे आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थोड़ी सी क्विक वीडियो थी सो so, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऐसे ही और यूजफुल अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड और माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल सो या फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ टिल देन कीप सपोर्टिंग